हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एम रहमान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, एनआरसी के जो एडिशनल ड्राफ्ट लिस्ट है, मतलब अतिरिक्त जो खसरा पब्लिश हुआ है, उसके बारे में एक बुआ प्रचार, मतलब एक गलत इन्फॉर्मेशन समाज में फैल रहा है। तो मुझे जो है इसके बारे में पता चला, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आप लोगों को बताया जाए। तो अगर आप इस चैनल से पहले से जुड़े हुए हो तो आप लोगों को पता होगा कि मैं आप लोगों को जो है एनआरसी के बारे में हर छोटा बड़ा अपडेट देने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण आप लोग जो है प्रॉब्लम में ना पड़े, और आगे भी आप लोगों को जो है इस चैनल पर छोटा बड़ा अपडेट, हर अपडेट, नए नए अपडेट आप तक जो है सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बाजू का बेल आइकन दबाकर रख लीजिए, ताकि नए नए इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए, वो गलत इन्फॉर्मेशन, वो बुआ प्रचार क्या है और उसका सही इन्फॉर्मेशन क्या है, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वो जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी लोगों को पता होगा कि कंप्लीट ड्राफ्ट लिस्ट, एनआरसी के जो कंप्लीट ड्राफ्ट लिस्ट वो 2018 को आया था। उसके बाद जो है तो करीब करीब 40 लाख लोगों का नाम उस लिस्ट में नहीं आया था, मतलब एनआरसी में नहीं इन्वॉल्व हुआ था। उसके बाद करीब 36 लाख लोगों ने जो है क्लेम किया है। तो बहुत सारे लोग ये जो है गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि एडिशनल ड्राफ्ट लिस्ट में जो 1,02,000 करीब लोगों का नाम नहीं आया, तो बहुत सारे लोग ये इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि जिन जिन लोगों का नाम उस लिस्ट पे आया है, मतलब एडिशनल जो है एडिशनल लिस्ट पे आया है, और बाकी जो 36 लाख लोगों का नाम जो है फाइनल लिस्ट पर इन्वॉल्व हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये एक गलत इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि एडिशनल लिस्ट पे कोई भी क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का रिजल्ट नहीं है। ये मेरा मुंह का बात नहीं, एनआरसी का ऑफिशियल अपडेट भी ऐसा है कि एडिशनल ड्राफ्ट लिस्ट में कोई भी क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का इन्फॉर्मेशन या जो है रिजल्ट नहीं आया है। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है कि 36 लाख लोगों का नाम कंप्लीट ड्राफ्ट जो है एनआरसी का जो फाइनल लिस्ट है उसमें इन्वॉल्व हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपने ये इन्फॉर्मेशन के बारे में सुना या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको एनआरसी के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट कर देना, जितना हो सके आपका जो है आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करता हूँ और करूँगा आगे चल के भी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बाजू का बेल आइकन दबाकर रख लीजिए, ताकि नई नई इन्फॉर्मेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।